जानपारा वासियों के लिए कितना अच्छा होता, काश यहाँ बस अड्डा होता। स्वागत है आप सभी लोगों का गंगा न्यूज स्टेशन में। मैं शुभम तिवारी मौजूद हूँ नानपारा बाईपास पे, जहाँ मैं आपको कैमरामैन के द्वारा दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है, जो जिनको कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, दिल्ली, हरिद्वार, शिमला जाना है। यहाँ पे बस स्टैंड न होने के कारण यहाँ पे पब्लिक को बरसात हो चाहे धूप हो, पेड़ के छांव में अपना समय बिताना पड़ सकता है। कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखा पाए, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक बहराइच डिपो की बस खड़ी हुई है, जो कि दिल्ली जाने के लिए तैयार है, और यहाँ पे लगातार पब्लिकों की भीड़ लगी होती है। ये एक मेन चौराहा है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट का भी खतरा बना होता है। अभी 3 दिन पहले यहाँ 2 ट्रक की आपसी भिड़ंत, एक लोग की मौत भी हो गई थी, जिसके कारण लगातार यहाँ सावधानी नहीं है। यहाँ दुर्घटना का ये क्षेत्र है, और यहाँ बस अगर 2 बस एक साथ खड़ी हो जाती है तो यहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा बन जाता है। और आप देख सकते हैं कि लगातार वो, देखिए आपको मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन द्वारा, वहाँ देखिए लगातार पब्लिक जो है पेड़ की शरण ली हुई है, जो कि यहाँ की धूप, यहाँ धूप तेज है और धूप से बचने के लिए वहाँ खड़ी हुई है। यहाँ कोई भी ऐसा रोडवेज स्टैंड न होने से भटक रहे हैं यात्री। आजादी के 73 वर्ष बाद भी नानपारा वासियों को रोडवेज से यात्रा करने के लिए भटकना पड़ता है। सरकारी फाइलों में आदर्श नगर नानपारा है, परंतु यहाँ रोडवेज स्टैंड तक नहीं है। यहाँ के नागरिक पिछले 40 वर्षों से रोडवेज स्टैंड की मांग करते रहे हैं। लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव जब होते हैं, यहाँ के जागरूक नागरिक नेताओं से रोडवेज स्टैंड की मांग करते हैं। चुनाव के समय सभी नेता आश्वासन देते हैं, इसी उम्मीद से मतदाता वोट देते हैं। चुनाव जीतने के बाद नेता मुड़कर नहीं देखते, और इस प्रकार यहाँ के मतदाताओं को बार बार धोखा मिलता है। वर्तमान समय में भी जहाँ के विधायक सांसद सत्ता दल के हैं, जब मीटिंग में आते हैं लोग अपनी बात रखते हैं, नेता लिखी पढ़ी कर देते हैं, परंतु अभी तक रोडवेज स्टैंड स्थापित नहीं हो सका। जानकार लोगों के अनुसार नानपारा की स्थापना शाहजहां के शासनकाल में वर्ष 1636 में हुई थी। उस समय इसका नाम सलोनाबाद था, इसके बाद नादपाड़ा और फिर नानपारा इसका नाम पड़ा। अंग्रेजों के शासन के बाद जब देश आजाद हुआ, आजादी के 73 वर्ष बाद यहाँ के नागरिक रोडवेज स्टैंड को तरस रहे हैं। नानपारा लगभग 400 वर्ष पुराना शहर है, यह परगना के रूप में स्थापित हुआ था। नानपारा की अपनी एक रियासत है। एक समय था जब नानपारा को नवाबों के शहर लखनऊ का बच्चा कहा जाता था, और राजा की कोठी सहित विभिन्न निशानियां यहां पर अभी भी मौजूद हैं। वर्तमान में आदर्श नगर पालिका परिषद होने के बावजूद यहाँ के नेताओं ने रोडवेज स्टैंड के लिए रुचि नहीं ली, जिसके कारण यहाँ के यात्री भटकने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि नेपाल सीमा रुपैडिया में रोडवेज डिपो है, और वहाँ से दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी सहित अन्य जिलों के लिए बसों का संचालन होता है। नानपारा में रोडवेज स्टैंड न होने से रुपैडिया से निकलने वाली रोडवेज की बसों में यात्रा करने के लिए नानपारा और आसपास के ग्रामीणों को भटकना पड़ता है। ऐसे यात्री रोडवेज पकड़ने के लिए नगर के पेट्रोल पंप, गोयलतीरा, इमामगंज बाईपास चौराहा एवं नानपारा लखीमपुर बाईपास चौराहे पर भारी संख्या में भटकते हुए देखे जा रहे हैं। रोडवेज चालकों से बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि स्टैंड ना होने से उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दग्गा मार वाहन भी चलते हैं जो यात्रियों को परेशान करते हैं। ना आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? बस स्टैंड नहीं है तो रोड पे गाड़ी खड़ी है, पुलिस वाले दिक्कत करते हैं, कभी प्राइवेट गाड़ियों की ज्यादा दिक्कत है। डग्गे मार गाड़ी बहुत चल रही है, जो दिल्ली से प्राइवेट, ये बहराइच गोंडा चल रही है, ये इनमें जो है वहाँ सवारों के साथ ही बदतमीजी करते हैं वो लोग, पैसेंजर शिकायत करते हैं इसमें। और यहाँ पे कितनी दिक्कतें, जैसे रोडवेज घाटे में चल रही है, प्रशासन कहता है रोडवेज घाटे में, प्रशासन रोड कहता है कि रोडवेज घाटे में चल रही है, लेकिन जब पैसेंजर जो प्राइवेट गाड़ी में चलते सफर कर रहे हैं तो रोडवेज में नहीं बैठ रहे, तो ये तो घाटे में जाएगी। अच्छा, और अभी कोरोना काल में तो वैसे भी घाटा ही हो रहा होगा, जैसे ही पब्लिक तो कम ही निकल रही है। तो कम निकल रही है जी, इसमें ये तो है, कोरोना का टाइम लॉकडाउन भी लगा हुआ है। और आपको सेफ्टी के लिए क्या क्या? हमारी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है, चाहे आप लोगों को सैनिटाइजर ना को खाने पीने की सुविधा है रास्ते के अंदर जी, कोई होटल नहीं, सब लॉकडाउन में होटल सब बंद है जी। और क्या आपको सैनिटाइजर और सैनिटाइजर वगैरह डिपू से मिलती है, छोटी सी 250 ml की शीशी मिलती है, उसके अंदर 3-4 दिन का रोटेशन होता है, बाकी कुछ हम अपने पास से लाते हैं, कुछ उससे व्यवस्था करते हैं। तो होटल बीच रास्ते में नहीं खुल रहे हैं, होटल सब बंद है, तो आप लोग को घर से ही खाना लाना पड़ता है, और जबकि 500 किलोमीटर का सफर लगभग 12 घंटे लगते हैं पूरा करने में। ये 1400 किलोमीटर का सफर है अप डाउन जी,
इसके अंदर कुछ खाना घर से लाते गए रस्ते में कभी ट्रक ढाबा मिल गया उस पर रोक ली अपना थोड़ा बहुत जैसे जैसे अपना जुगाड़ करते हैं। यहाँ पे अभी तक बस स्टैंड नहीं, आप लोग को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? सर यहाँ पे ना तो पैसेंजर के लिए कोई व्यवस्था है ना हमारी रोडवेज खड़ी करने के लिए कोई व्यवस्था है, हम लोग बस ऐसे आते जाते नहीं पैसेंजर उठाते बैठाते हैं। यहाँ पे जैसे कि कोई टाइमिंग नहीं है, पब्लिक ये नहीं जान पाती है, जनता को ये नहीं पता है कि कब बस आएगी कहाँ जाना है, तो इसके लिए आप लोग ने प्रशासन से अपील की, लेकिन प्रशासन का क्या कहना है? सर प्रशासन से क्या, हमारा तो रुपैड़िया रोड पे रुपैड़िया स्टेशन है, वहाँ से हम लोग निकलते हैं नानपारा के लिए, तो ऐसा कुछ है नहीं प्रशासन के लिए। क्या नहीं, जैसे प्रशासन से आप लोग ने पूछा नहीं कि नानपारा में एक बस अड्डा होना चाहिए? नहीं, प्रशासन के लिए नानपारा के लिए तो हम लोगों ने। अच्छा, ये कहाँ आप कहाँ जा रहे हो? बैराज डिपो की बस है, ये कहाँ जा रही है? दिल्ली कौशाम्बी। कौशाम्बी जा रही है, ठीक है। और कोरोना काल में अभी क्या पब्लिक तो कमी ट्रेवल कर रही होगी? बहुत घाटे में चल रही है बस इस समय। कहाँ जा रहे हैं? सीतापुर। यहाँ कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत सी दिक्कतें पड़ती हैं। रोडवेज बस ना होने से कैसे आप लोग जाते हैं? अरे बहुत सी दिक्कतें, बहुत देर पे है, फिर मालूम किया जाता है तो कोई कहाँ बताता है, कोई कहाँ बताता है। स्टाफ होने से जो बहुत बड़ा फायदा होगा। डग्गा मार बसें भी चल रही है, उससे भी जाना पड़ता होगा? हाँ हाँ, उससे भी जाना पड़ता है। और यहाँ पे कितने, और यहाँ पे जैसे बस स्टैंड नहीं है तो यहाँ पे आप धूप बारिश में कहाँ खड़े होते हैं? हाँ, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं उससे बारिश होने लगती, कहीं इधर भागो कहीं उधर भागो, किसी के होटल में चले जाओ। यहाँ कितनी देर से खड़े हो? अरे बहुत देर हो चुकी है। तो लखीमपुर जाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत बड़ी दिक्कत का सामना। यहाँ बस स्टॉप ना होने से बस वाले बस रोकते हैं? नहीं रोकते। तो कैसे आप लोग जाते हैं? जाते हैं, कहीं लौट जाते हैं, कहीं नहीं। यहाँ पे बस, यहाँ पे आप लोग ने बस स्टॉप बनाने की मांग की है? बहुत बड़ी मांग की है। तो क्या जन सरकार द्वारा सुनी नहीं जा रही है? नहीं सुनी जा रही है। तो आप लोग को बड़ी दिक्कत होती है? बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कोई यहाँ टाइम, कोई बस का टाइम नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है? कोई भी नहीं। कितनी देर, लगभग कितनी देर से आप यहाँ खड़े हो? अरे 2-4 घंटे। रोडवेज बस अड्डा न होने के कारण यहाँ पे कोई पब्लिक, कोई जनता को ये बताने वाला नहीं है कि कितने बजे कौन सी बस आएगी, कब उनको मिलेगी, आज वो बस आई है कि नहीं आई है। तो यहाँ पे एक बस स्टॉप नानपारा में होना बहुत जरूरी है। कैमरामैन सरफराज के साथ शुभम तिवारी, गंगा न्यूज नेशन।